Hello guys, let's move to the Ramsar sites. Let's what we have today. Yes, इसमें एक थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी रामसर साइट कहाँ पे है। पहला तो ये याद रखना कि जो केरला का मैप बनाएंगे तो ये तो यहाँ पे तो अपना कन्याकुमारी वाला कॉमन एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो एक लेक हमें ये याद रखनी है, एक लेक हमें ये याद रखनी है जो नॉट इम्पॉर्टेंट है, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है। और एक लेक यहाँ पे है छोटी सी जो दिखती नहीं है इसके अंदर, मैप के अंदर, ठीक है। बहुत ही पास जाएंगे, बहुत ही फोकस उसमें जूम करेंगे तभी दिख पाती है। ये वाली जो ऊपर वाली जो लंबी सी एक जो ये लेक है इसका नाम है वेम्बनाड लेक, ठीक है। ये एक भी रामसार साइट है। दूसरी वाली जो ये वाली है ये एक ऐसी लेक है पाम के पत्ते जैसे, ठीक है। इसमें आठ कोने हैं ऐसे, इसको बोलते हैं हम अष्टमुड़ी लेक, ठीक है। दो हो गई। तीसरी वाली जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसका नाम है सास्था मकोटा, ठीक है। SASTHA सास्थ मकोटा, ठीक है। ये वाली फ्रेश वाटर है, ये दोनों बैक वाटर है, तो ये ब्रैकिश वाला रहेगा। ये जो बीच में एक जो यहाँ पे जो थोड़ा सा दिख रहा है ये वाली जो लेक है इसका नाम इन्होंने रखा है कायम कुल्लम लेक, ठीक है। और ये जो दो यहाँ पे आपको रिजर्वायर टाइप के से दिख रहे होंगे, ये वाले एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ऊपर वाला याद रखना ये पेरियार का है, पेरियार लेक है, और नीचे वाली है काकी रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया। तो अभी पांच छह चीज़ें हैं और केरला के अंदर याद रख सकते हैं। ऊपर ये जो यहाँ पे ये तमिलनाडु का ये जो बॉर्डर जा रहा है ऐसे इस ऊपर की तरफ, ऊपर से ये कर्नाटका आ रहा है, तो ये जो जोन है पूरा आपको नीलगिरी नीलगिरी वाला पता ही होगा। ये वाला जो जोन है यहाँ पर आपकी जो ये आ जाएंगी, क्या बोलते हैं इसको, अपनी जो कार्डमम हिल्स आ जाएंगी और ये अन्नामलाई हिल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हर मैप में हम डिस्कस करते ही हैं NAC टाइप करके, है ना। यहाँ पर वो अन्नामुड़ाई हिल है, नीलगिरी में डोडा बेटा है, कार्डमम के अंदर अगस्त्यमलाई रिजर्व है, ठीक है। लेट्स मूव हियर। अष्टमुड़ी वेटलैंड, ठीक है, पहला वेटलैंड है जो रामसार साइट के अंदर आता है, केरला के अंदर है। पाम शेप बताते हैं, पाम का जो होता है ऑक्टोपस की शेप का बताते हैं, आठ कोने हैं इसके अंदर, इसलिए अष्ट मतलब आठ, मुड़ी मतलब कोने, ठीक है। तो वो यूं करके यूं करके यूं करके ऐसे कुछ बनी हुई है। ये गेटवे बताया जाता है बैकवाटर्स का। बैकवाटर्स का मतलब होता है कि जो रीजन थोड़ा सा समुद्र के पास में हो, कनेक्शन हो, लेकिन थोड़ा सा शांत हो, ठीक है। और ये यूजुअली ब्रैकिश है केरला के अंदर, सारे के सारे हाउस बोट्स वगैरह बैकवाटर रिजॉर्ट वगैरह मिलते हैं। अष्टमुड़ी का मेंशन फिनिशियन जो फिनिक्स कंट्री है वहाँ के रोमन्स ने, इब्न बतूता जो एक वो आया था अपना, इन तीनों ने मेंशन किया है अपने अपने उसके अंदर बुक्स के अंदर या अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। वेलू थम्पी का आपने पढ़ाई होगा, जो ट्रेवनकोर वाला जो हुआ था, उसने रिबेलियन अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश के खिलाफ यहीं से किया था, ठीक है। अपने ट्रेवनकोर रिवोल्ट पढ़ सकते हो हिस्ट्री में जाके। तो ये वेलुंथप्पी वाला अष्टमुड़ी वेटलैंड याद रखना है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर रिवर कलडा एंड पलिचल एक वो ड्रेन करती हैं, इसके अलावा कुछ खास है नहीं। अंदर नेशनल वाटरवे 3 भी पास करता है यहाँ से, ठीक है। देन वी हैव ए मोस्ट टेस्टीस्ट बैकवाटर फिश इन केरला, उसका नाम है करीमीन, वो यहीं से मिलती है। फिर यहाँ पे एक मुनरो आइलैंड है, वो अपने इंडिया बुक के वीडियो नंबर 1 में भी डिस्कस किया था मैंने। क्लस्टर ऑफ 8 टाइनी आइलैंड्स हैं ये, तो इसमें सब कुछ आठ आठ याद रखो, पाम, ऑक्टोपस, 8 कॉर्नर, क्लस्टर ऑफ 8 आइलैंड। यहाँ पे एक अंदर विलेज है उसी लेक के अंदर, बहुत सारे आइलैंड के अंदर वहाँ पे एक उसमें एक टाइटेनियम और मदर मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अष्टमुड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पाम, ऑक्टोपस, 8 कॉर्नर, गेटवे टू द बैकवाटर ऑफ द कोरला, इब्ने बतूता, रोमन फिनिशियन, वेलुथम्पी, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, रिवर कलडा एंड नेशनल वाटरवे 3 मोस्ट टेस्टीएस्ट बैकवाटर फिश हो गई ये केरला के अंदर, करीमीन में और मुनरो आइलैंड हो ही गया, क्लस्टर ऑफ 8-10 आइलैंड हो जाएगा इसके अंदर ही, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये आगे हम वेम्बनाड जो कोल वेटलैंड बताया था मैंने, अब ये याद रखना है केरला तो है ही है, लेकिन ये नेहरू की जो ट्रॉफी है जो बोट रेस होती है, अगर आपको याद होगा हिस्ट्री में उसमें कहीं पर दे रखे रखा हुआ है NCERT के अंदर, ये जियोग्राफी के अंदर, ये इसी वेम्बनाड लेक में होती है। और ये लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम है इंडिया का, देखो बहुत लंबा है ऐसे ये, ठीक है। और पंबा और पेरियार रिवर भी इसी में ड्रेन करती हैं। कलडा कहाँ कर रही थी, पिछले वाले में अष्टमुड़ी के अंदर। लार्जेस्ट लेक ऑफ द केरला है, लॉन्गेस्ट लेक इन द इंडिया है, याद रखना आप, ठीक है। केरला की सबसे लार्ज है लेकिन लंबी इंडिया की सबसे लंबी है ये। यहाँ पे अलापूजा कैरमगुव हो गया, कुछ खास है नहीं। पंबा रिवर आपको बताया था मैंने, पंबा रिवर किस में डिस्कस किया था मैंने, ये कि जो अपने सबरीमाला है उसके उसके पास से निकलता है ये, ठीक है, न्यूज़ में रहता है बार बार। देन ये बिलो सी लेवल है और यहाँ पे काफ़ी एक्जोटिक फिश वैरायटी, जो पैडी फील्स आपको पता ही होंगे, जो बिलो सी लेवल वाले जो कोटनाड राइस है ये सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। जो सिस्टम है कोटनाड राइट वाला, जो बिलो सी वाला, ये बहुत फेमस था, आई थिंक लास्ट ईयर उसमें न्यूज़ में भी था ये, उसमें UPSC के किसी सवाल के अंदर भी था ये, है ना। तो ये सब उसमें इसकी फेमस वो हैं, स्पेशलिटीज़ हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम पंबा पेरियार, लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, अलापूजा कुमारा ये छोड़ दो, यहाँ पे पंबा रिवर याद रख लो, एंड बिलो सी लेवल होने के कारण यहाँ पे फिश वैराइटीज एक्जोटिक हैं, और पैडी फील्ड्स वाले जो हैं जो नीचे जो ये कोटनाड जो राइस सिस्टम है वो यहीं पर वेम्बनाड के अंदर ही होता है। देन वी हैव अ सास्टम कोटाली जो लेक जो अष्टमुड़ी के थोड़ा साइड में थी, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है,
ठीक है, केरला की। और जो प्योरिटी इतनी अच्छी है इस लेक वाटर की, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हो बिना कुछ किए हुए, क्योंकि इसके अंदर एक लार्वा होता है इसे कावा बोसबोरस बोलते हैं। ये क्या करता है, सारे बैक्टीरिया को खा जाता है, इसको उसको अच्छा बना देता है। इसका एक यूनिक रिप्लेनिशिंग सिस्टम था, रिवर अपने आप रिवर कलर है ना, इसको भरती रहती थी क्योंकि ये बार ऑफ द पैडी फील्ड के थ्रू, ठीक है। और वो अब क्या हो गई, वो सैंड माइनिंग वगैरह के कारण खत्म हो चुकी है, तो यहाँ रिवर कलडा भी इसके अंदर भी कुछ निकल के जाती है। तो याद रख लेना आप, केरला के अंदर तीन रामसार साइट है इंडिया की, वेम्बनाड, सास्टमकोटा एंड अष्टमोडी। सास्टमकोटा इसमें फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट मूव टू दी मैपिंग, यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें आप ये देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ये कैलीमीर वाला जो तमिलनाडु वाला हो गया, ये जो जोन है अपना ये आ जाएगा पुलिकट के लिए, और ये जो यहाँ पे है ये अपना आ जाएगा, सॉरी ये अपना ये एरिया जो है यहाँ पे आ जाएगा कोलेरूस के लिए। कोलेरू लेक हो गया, पुलिकट हो गई, और ये पॉइंट कैलीमीर हो गया। ये पता ही है पालक पे, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, पॉइंट कैमरीन, ये तीनों मैंने लेक बता दी यहाँ पे। इसके अलावा आगे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका चिल्का लेक, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे भीतरकनिका आ जाता है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपका सिमलीपाल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ईस्ट कलकत्ता है, उसकी वेटलैंड यहाँ पे मिलते हैं, इसमें कुछ है नहीं, लोकटक लेक यहाँ पे है ये। एंड फिर एक आसाम के अंदर अब बीर आ जाएगी, ये जो भोपाल यहाँ पे है इसके अंदर अपनी वो जो भोजताल है। फिर यहाँ पे नल सरोवर है इसके अंदर गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर सांभर लेक हो गई, और वो हमें केवला देव आ जाएगा। ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक यहाँ पे हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत है। लेट्स मूव, हमारा आ गया पॉइंट कैलीमीर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, और तमिलनाडु के अंदर बोलते हैं इसी का। इसके अंदर कुछ खास मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे इंक्लूड कर लिया, बट पॉइंट कैलीमीर के पास में जो वेटलैंड है यहाँ पे, इसी को उन्होंने रामसार में ऐड किया गया है, और इसी के वेटलैंड के जो जो फॉरेस्ट उनको वेदरानम फॉरेस्ट बोलते हैं ये, ठीक है। वेदरानम फॉरेस्ट ये लास्ट रेमेनेंट ऑफ द ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है इस जोन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ड्राई एवरग्रीन बता दिया, मैंग्रोव वेटलैंड तीनों मिलते हैं यहाँ पे, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो वगैरह मिल रही है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड श्रिम्प का बहुत ज़्यादा रन ऑफ हो रहा है, डीडीटी वगैरह बहुत खतरे में पड़ा हुआ है ये। तो पॉइंट कैलीमीर, ठीक है, वेदरानम फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ड्राई एवरग्रीन उसमें वो अपने फॉरेस्ट हैं, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ग्रेटर फ्लेमिंगो वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। देन वी हैव ए कोलोरू लेक। कोलोरू लेक की बताइए आपको, ये कृष्णा और गोदावरी गिदावरी डेल्टा के बीच में आती है, मैंने पीछे दिखा दिया था, बहुत ज़्यादा मर्ड माइग्रेट करती है यहाँ पे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी बना दिया है बर्ड्स के मामले में। साइबेरियन क्रेन आती है, आइबिस आते हैं, पेंटेड स्टॉक आते हैं, को इसके अंदर उन्होंने रामसर कन्वेंशन के अंदर एक वहाँ पर कम्युनिटी है वद्दी कम्युनिटी, वद्दी कम्युनिटी को उन्होंने बोला कि ठीक है आप फिश वगैरह कल्चर कर सकते हो और उसको कॉट भी कर सकते हो। तो कोलोरू लेक का ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आगे जाएंगे, देन पुलिकट लेक आ जाती है। लेकिन पुलिकट लेक का हमें ये याद रखना है कि नॉट ए रामसार साइट, ठीक है, ये जरूर याद रखना। लेकिन इशू क्या है, बिकॉज कि कोलोरू और जो यहाँ पे कभी भी आता तो पुलिकट उसमें ऑप्शन में रहती है, तो हम पढ़ लेना ठीक रहेगा। पुलिकट लेक जो भाई साहब ये सेकेंड लार्जेस्ट हमारी ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है, और ये चिल्का के बाद आती है। ये जो है वो बॉर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर है। ये जो लाइन है ये गलत हो सकती है, इसमें कहीं पे न्यूज़ में दे रखा था 40% आंध्र में और 6 तमिलनाडु में, गलत है, मैक्सिमम पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ये बार बार उसको कहीं पे मुझे मिल नहीं रहा था, तो आप ज़रूर देख लेना, ये आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम है, थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु के अंदर आता है ये, ठीक है। और ये कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर हो गया, बता दिया मैंने। यहाँ पुलिकट के अंदर बर्ड सेंचुरी भी है, यहाँ एक बैरियर आइलैंड है, ठीक है, और जो बैरियर आइलैंड श्रीहरिकोटा का जो है ना, ये सेपरेट करता है किसको, बे ऑफ बंगाल से लेक को। एंड यहाँ पे इस बैरियर आइलैंड के ऊपर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ से ये आपको ये सब हरिकोटा वाला नाटक चलता रहता है, जहाँ पे सारे ये शिप वो अपने जो ये ऊपर भेजते हैं हम लोग। यहाँ पे दो रिवर हैं जो इसको फीड करती हैं लगून को, पहली रिवर है अरानी रिवर सदर्न पोस्ट में, दूसरी है कलांगी रिवर, ठीक है, अरानी रिवर एंड कलांगी रिवर हो गया। इसमें बकिंगम केनाल भी है एक नेविगेशन के लाल, जो उसके वेस्ट साइड में आती है। तो अरानी, कलांगी, बकिंगम केनाल, यहाँ पे एक मरीनर था जिसने ये लिखी थी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेशिया, हिस्ट्री वालों को पता होगी, इसने इस पुलिकट लेक का मेंशन किया है, ठीक है। और सेकंड सेंचुरी के अंदर टॉलोमी की जो बुक्स हैं उसके अंदर भी इसका मेंशन आया है, ठीक है। पहले इसका नाम पौधों को कुछ बोलते थे, अरब पहले भी यहाँ पे काफ़ी आ चुके हैं, पुर्तगीज भी आए हैं और डच भी आए हैं। तो पुलिकट एक बहुत फेमस लेक रही है, ठीक है। पहली बात हो गई बर्ड सेंचुरी यहाँ पे आंध्र में मैक्सिमम है, बैरियर आइलैंड है, सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, अरानी रिवर, कलांगी रिवर, बकिंगम केनाल, पीपल ऑफ ये टॉलोमी, ये टॉलोमी हो गया, पेरिप्लस एरिथ्रेशिया हो गया, अरब आ गए थे, डच आ गए थे, पुर्तगीज आ गए थे। नेक्स्ट मूव ये पुलिकट के लिए ये है, या आप ये जो लाइन दिख रही है ऐसे जा रही है, ये जो वो है ये इसके लिए है, ये बॉर्डर है उसकी तमिलनाडु के ऊपर आंध्र आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो पुलिकट लेकर मैक्सिमम किसमें, आंध्र में ही है। ये जो है अपना श्री हरिकोटा है यहाँ पे, ये अपना बैरियर आइलैंड हो गया, ठीक है, और यहाँ से इसका ये वो है
एग्जिट है, ठीक है। इसमें अलावा कुछ इसमें कुछ देखने की जरूरत है नहीं। लेट्स मूव, वी हैव भितरकनिका मैंग्रोव। आपको मैप के अंदर मैंने बना के बता ही दिया है, अगर उड़ीसा का मैप बनाएंगे तो चिल्का लेक, भितरकनिका, सिमलीपाल ऐसे आ जाते हैं जो मेन मेन जो रीजन है वहाँ पे, ठीक है। भितरकनिका मैंग्रोव हैं इस जोन के अंदर, गहिरमथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सब इसके बीच वाला इसी जोन में आते हैं। मैंग्रोव को उन्होंने रामसर वेटलैंड बना 2002 के अंदर। यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रेडलेसी टर्टल भी मिलते हैं, और यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स होते हैं 10% उनके 6 मीटर से लंबे होते हैं। ये आपको अगर नेशनल पार्क वाला आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें सब मेंशन किया हुआ है। लेट्स मूव, वी हैव चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है ये ब्रैकिश वाटर लैगून है, इंडिया से बड़ी है और दयार रिवर के माउथ के ऊपर है। ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द इंडिया है और सेकंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड है ये। इसको पहला ही एक ऐसा था चिल्का लेक वाला जिसको इंडियन वेटलैंड के अंदर उन्होंने इंपॉर्टेंस में डाला था रामसार कन्वेंशन के अंदर। नवंबर 2002 में इसको अवार्ड भी मिला था वेटलैंड कंजर्वेशन के अंदर। इसके अलावा फिर नलबाना आइलैंड आता है एक, ये नलबाना जो आइलैंड है ना वो चिल्का लेक में। इसके अलावा बहुत सारे आइलैंड है, फेमस जो चिल्का लेक वाला आइलैंड है वो नलबाना आइलैंड है, ठीक है। 1970 को नोटिफाई करके बर्ड सेंचुरी बना दिया था वहाँ पे। हाँ, यहाँ याद रखना इरावी डॉल्फिन, इरावी डॉल्फिन के बारे में बताऊंगा आई थिंक वीडियो नंबर 2 इंडिया बुक के अंदर, ये पूरा मैंने डॉल्फिन का कवर किया था, ठीक है। और ये फ्लैग स्पीशीज है चिल्का लेक की, इसी के अंदर ये बॉटल नोज डॉल्फिन भी घुस जाते हैं कभी कभी सी से निकलते हुए। और यहाँ पे एक बीच है जो लॉन्ग बे उसका रिजांसा बोलते हैं, वहाँ पे क्या था बीच वाला सतासी धवन था वो, ठीक है। इधर आ गया जो ये जो विड्थ ऑफ द जो ओल्ड चैनल टू द सी है ना, ये इसको बोलते हैं माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल, जो मुँह वहाँ से जो उसमें लेक से जो सी में जाता है जो जो एरिया वो ऐसा बना हुआ है जैसे माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल, मतलब मगर का मुख, मगर बोलते हैं ना मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को, तो उसके मुख जैसा बन गया। तो ये याद रख लेना आप, ब्रैकिश वाटर लैगून लार्जेस्ट इन इंडिया, सेकंड लार्ज वर्ल्ड में हो गया, फर्स्ट वेटलैंड को वो कन्वो किया था हमने। नलबाना आइलैंड जो है वो कोर एरिया ऑफ द रामसार डेजिग्नेटेड वेटलैंड चिल्का लेक का है, और इसी का इरावी डॉल्फिन बता देना। फिर रिजांसा उसका बैरियर का नाम है बीच का, एंड 60 किलोमीटर लंबा है इसमें, और ये जो माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल मगरमुख नाम का वहाँ पे एग्जिट है सी के अंदर। एंड यहाँ पे कभी कभी इरावड़ी साथ में बॉटल नोज डॉल्फिन भी आ जाती हैं। ये है पूरा वो जो उड़ीसा का मैप, अगर आप पूरा यहाँ से और बनाएंगे इसको तो यूँ ये यूँ जैसे बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे चिल्का है, ठीक है, दूसरा यहाँ भितरकनिका आ गया और तीसरा सिमलीपाल आ गया। तो ये तीनों मेन मेन चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली एक तरीके से। लेट्स मूव, ईस्ट कलकत्ता के ये वेटलैंड आ गए। ईस्ट कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल में है, ये कलकत्ता सिटी के पास में है, ईस्ट की तरफ है। मल्टीपल यूज़ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बना दिया था उन्होंने नेचुरल ह्यूमन मेड मिला मिलू के, और जो साइट की जो रिसोर्स रिकवरी सिस्टम है लोकल जनता ने बनाया है, ताकि वहाँ पे किस लिए बनाया है उन्होंने, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कर सकें क्या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान। तो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड के जो फेमस किस चीज़ के लिए, वो कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान, जो सिटी से जो वेस्ट वाटर बाहर निकलता है उसका ट्रीटमेंट बनाने के लिए। ये एक अर्बन फैसिलिटी टाइप की बनाई है उन्होंने, ताकि सिटी का वेस्ट वाटर को उन्होंने निकाला जाए, ट्रीट किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, वाकई किस चीज़ के लिए, पीसी कल्चर के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए, पाइसी कल्चर एग्री दोनों के लिए उन्होंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। और ये जो होता है कि इसमें पॉन्ड वॉन्ड जो है, काफ़ी फिश पॉन्ड्स बनाए हैं उन्होंने वहाँ पे, और ये पॉन्ड जो है वो सोलर रिएक्टर की तरह काम करते हैं, अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन से वो काफ़ी अपना चलाते रहते हैं सिस्टम। ये काफ़ी यहाँ पे सिस्टम बहुत रेयर है, एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट मैनेजमेंट वगैरह, तो इसलिए उसको उन्होंने रामसार के अंदर डाल रखा है यहाँ पे। और 2150 टन यहाँ पे क्या फ्रेश वेजिटेबल मिलती हैं हर साल, छोड़ दो काफ़ी डेली 150 टन वेजिटेबल्स यहीं से इसी जून से ही आ रही हैं वो। नेक्स्ट वी हैव भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड बताया था ये अपने उसमें है, ये सिटी ऑफ भोपाल के अंदर है। इसमें दो लेक्स हैं वो भोज वेटलैंड के अंदर, पहले का नाम भोजताल है, दूसरे का नाम लोअर लेक है। ये मैन मेड वो है, राजा भोज ने बनवाया था। 20,000 बर्ड्स आती हैं यहाँ पे। अपर लेक जो है वो लाइफ लाइन है सिटी की, पानी सारा यहीं से आता है। अब देख लो इसके अंदर सारस क्रेन आती है पहली बात, तो ये जरूर याद रखना है। यहाँ पे लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया कहाँ, भोजताल के अंदर आती हैं, भोज वेटलैंड के अंदर। वाइट स्टॉक, ब्लैक नेक स्टॉक हो गया, गीज, स्पूनबिल, सब याद रख सकते हो अगर आपको करना है तो। भोजताल हो गया, लोअर लेक हो गई, दो लेक हैं सिटी वो है मैन मेड था, ठीक है। और यहाँ पे सारस क्रेन का ये बहुत फेमस है, लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया। देन वी हैव ए नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात की। ये जो मैडम है, ये जो अपनी जो बर्ड सेंचुरी, ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, रेलिक्ट सी है पहली बात तो, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक एंड रेलिक्ट सी, ये ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है ये, किसमें, थार वाले रीजन के अंदर। सैलिनिटी वगैरह है यहाँ पे, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, बर्ड्स मिलती हैं, काफ़ी कुछ है। फिर हमें याद ये यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे ना कुछ स्पेशल वो स्पीसीज मिलती हैं, नाम याद रखना, सोशिएबल लैपविग कहाँ मिलती है, नल सरोवर के अंदर मिलती है, ठीक है। एंड देन मार्बल टील मिलती है ये, या अब अगर आपने पढ़ा होगा हम जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड पढ़ते रहते हैं, वो इस लिस्ट है जो MAIF की, उसमें सब में आता है, तो यहाँ से याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा कि नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात के अंदर, सॉरी ये जो वेटलैंड है फ्रेश वाटर लेक, वहाँ पे अपना सोशियबल लैपविग है। एक वल्नरेबल सारस क्रेन भी यहाँ पे कभी कभी आ जाती है, इसी के आसपास वाइल्ड लाइफ भी कभी कभी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिशिंग होती है कटला फिश और रोहू की। ये हमारा मैप है जिसके अंदर गुजरात का ये जो एरिया है यहाँ पे ये होता है। ये गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर मरीन सेंचुरी थी, आपको पता होगा यहाँ पे ब्लैक बक था, यहाँ पे अपनी जो वाइल्ड लाइफ वाली वो सेंचुरी थी, ठीक है। और ये गिर वाला पार्ट भी यहीं पे आ जाता है।
नाउ वी हैव नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, तो ये आसाम के अंदर है। एक अपनी दीपोर बील, ये मैडम जो है परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, और फॉर्मल चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आती हैं। ये माइग्रेटरी फ्लाईवे जो होते हैं, जो ये स्टेजिंग साइट होती है उनके लिए। यहाँ पे कुछ ना, ये एजनस स्कॉक हो गया, स्पॉट बिल पेलिकन हो गई, बेयर्स पोचार्ड, याद रखना अभी बेयर्स पोचार्ड, स्पॉट बिल जो पेलिकन होता है ना, ये यहाँ बहुत फेमस है, ये दो चीज़ें है ना, ठीक है। तो ये दीपोर बिल कहाँ पे आ गई, आसाम के अंदर आ गई। नेक्स्ट मूव अब रुद्र सागर लेक आ गई, ये त्रिपुरा में है, इसके अंदर एक नीर महल है, ये सेडिमेंशन रिजर्वायर था और ये त्रिपुरा की कैपिटल के अंदर मिलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है अपना लोकटक लेक, ये ऑलरेडी बार बार केबिल लम जाऊँ चक्कर में मैंने बहुत पढ़ लिया है। फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, फुमड़ीज मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये केबिल लम जाऊँ मिलता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मोरांग में है, लोक का मतलब होता है स्ट्रीम एंड दी एंड में। यहाँ पे एक संगाई है, वो डियर मिलेगा, डांसिंग डियर मिलता है ये, ठीक है। एंड ये ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के रखा हुआ है और यहाँ पे एक सेंटर है, एक टूरिस्ट हब भी है एक, ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल के अंदर देख लीजिए, हिमाचल में सबसे पहला एक जो अपना जो ताल है वो आएगी चंद्र ताल, ठीक है। तो ये जो है हाई एल्टीट्यूड लेक है, चंद्रा वैली के अंदर है, चंद्रा रिवर के ऊपर, और ये साइट्स और IUCN के जो ये रेड लिस्टेड जो है ना स्नो लेपर्ड, इसको सपोर्ट करती है। इसके अलावा फालतू के से कुछ और भी हैं, ये नथिंग मच इंपॉर्टेंट, बट चंद्र ताल कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगी। देन वी हैव अ पोंग डैम, ठीक है। तो पोंग डैम जो होता है, ऐसे याद करिएगा, पोंग से प्रताप रिजर्वायर, NOC से बी से आ जाएगा ब्यास रिवर, तो ये अपने BPP ऐसे करके याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम लेक आ गई, ये महाराणा प्रताप सागर इसका दूसरा नाम है, ये वाटर स्टोरेज रिजर्वायर है, ब्यास रिवर के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे लो यील्ड सबचंगर काफ़ी स्पीसीज हो गया, फैमिली बेनिफिट्स हो गए, मार्केट लिए मिलते हैं, नेचर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है, कुछ खास है नहीं, कम्युनिटी बेस्ड इकोटूरिज्म काफ़ी उन्होंने किया है। तो ये तो हो गया ब्यास का। सतलुज के ऊपर कौन सा है, भाखड़ा नांगल है, ठीक है। तो सतलुज के जो रिजर्वायर का नाम क्या है, गोविंद सागर, ठीक है, तो वो बाकी दूसरा वाले में गोविंद सागर हो जाएगा। देन वी हैव रेणुका लेक, ये नेचुरल वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश के अंदर, फ्रेश वाटर है, स्प्रिंग्स मिलती हैं इसके अंदर, कास्ट फॉर्मेशन मिलते हैं, यूजली जो अपने उसके अंदर अपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, जो कार फॉर्मेशन यहाँ पे रेणुका लेक के अंदर मिलते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, गिरी रिवर के अंदर से निकल के आ रही होती है, प्रोमिनेंट वेजिटेशन, नथिंग मच, यहाँ पे सांबर, अंगुलेट सांबर हो गया, बाकिंग डियर, घुराल से मिलते हैं। ये रेणुका का नाम किसका था, परशुराम की माँ का नाम रेणुका था, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम कुछ खास इसमें है नहीं। चंद्रताल हो गया अपना, पोंग डैम हो गया, एंड देन दी रेणुका ताल हो गया। देन वी हैव पंजाब की अब लेक्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ये वेटलैंड था, रोपर वेटलैंड था, मैन मेड फ्रेश वाटर रिवराइन एंड लेक्चुराइन वेटलैंड है, ये याद रख लेना इसको। सतलुज रिवर से बनाया गया, यहाँ पे काफ़ी कुछ अपने ऑटर हॉक डियर वगैरह मिलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इंडेजन इंडियन पेंगोलिन, आज ही न्यूज़ के अंदर आई थिंक उन्होंने कहीं पर न्यूज़ पकड़ा है पेंगोलिन के उसको काफ़ी पार्ट्स को, बॉडी को ना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो यहाँ पे याद रख लेना। ये रोपर जो हो गया ये सतलुज के ऊपर है, ठीक है, एंड ये उसमें अपने पेंगोलिन वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, मैन मेड हो गया। हरिके वेटलैंड आ गया, तो हरिके में याद रखना ये कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है, ठीक है। दोनों रिवर कौन से, सतलुज एंड ब्यास के ऊपर, ये पंजाब में है, सैलो वेटर रिजर्वायर, डेंस फ्लोटिंग वेजिटेशन होता है इसके अंदर, ये काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग साइट है इसके लिए, बर्ड्स के लिए, माइग्रेशन के लिए, स्टेजिंग बर्ड के लिए। एंटायर लेक का कुछ है नहीं खास, इसमें कम्युनिटी जो फिशरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लीज पे दे दिया जाता है, फिशिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। तो रोपर हो गया, हरिके हो गया, देन वी हैव कांजली वेटलैंड। कांजली वेटलैंड का एक काली बैन नाम की एक वो रिवर है, ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, उसके ऊपर उन्होंने एक बैराज बना के बना दिया है ताकि उसको अपना यूज़ कर सके, तो इसी कारण यहाँ पे काफ़ी पानी वानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। और ये स्ट्रीम है वो काफ़ी फेमस, वो मतलब बहुत ही सीक्रेट वो स्ट्रीम है, और ये रिलीजियस पॉइंट से भी सिख से और पहले जो गुरु थे सेंट गुरु नानक देव जी उनसे रिलेटेड है ये, तो कांजली काली बैन। तो आपको याद हो गया होगा रोपड़, हरिके एंड देन कांजली, ठीक है। देन वी हैव ए होकेरा, होकेरा जो है वो J&K के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, यहाँ पे पीर पंचाल होकेरा वेटलैंड, वो सीनी 10 से दूर है, श्रीनगर 10 किलोमीटर दूर है बस, ठीक है। तो ये पीर पंचाल के आसपास मिलता है, ये झेलम जो है उसके बेसिन से कंटिगुअस है, यहाँ पे काफ़ी फालतू के से ये जानवर मिलते हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट। देन वी हैव ए सुरिनसर मानसर लेक, ये भी यहीं पर ही है। देन वी हैव ए वूलर लेक, वूलर लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ये झेलम रिवर से बनी है पहली बात तो, ठीक है। और ये बनी कैसे थी लेक बेसिन, ये रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, और जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया है ये, याद रखना ये, ठीक है। फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट रह यहाँ मार्से वार्से में हो गए, ठीक है। इसमें और कुछ खास फिशिंग हो गई, ब्रीडिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, लेकिन ये तुलबुल प्रोजेक्ट जरूर याद रखना है यहाँ पे। तुलबुल जो अपना नेविगेशन प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला, ये वाला लेक पे ही है, पाकिस्तान इसको कंटेशियस उसमें बार बार उसको लीगल उसमें चैलेंज करता रहता है, ठीक है। तो वूलर लेक हो गई, एंड पिछले कौन सा था अपना, होकेरा था एंड सुरिनसर मानसर था। नाउ वी हैव सोमेरेरी, ये भी सोमेरेरी जो है ये लद्दाख वाले जोन के अंदर है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर टू दी ब्रैकिश लेक है, ठीक है, बीच में से उसका पानी रहता है यहाँ पे उसमें, और यहाँ पे ब्लैक नेक क्रेन मिलती है, याद रखना है ये ब्लैक नेक क्रेन, आई थिंक वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मिलती है, चाइना के अंदर मिलती है, तिब्बत के अंदर, ठीक है। और ये ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ द चाइना, जहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए कहीं पर चाइना में जाते हैं, ये केवल यहाँ पर लद्दाख में भी आते हैं कई बार सोमेरेरी लेक के पास में। और बार हेडेड गीज़ होती है ना, उसके लिए भी ये ब्रीडिंग ग्राउंड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ग्रेट तिब्बतन शीप मिलती है, उसको अरगाली बोलते हैं, आपको याद होगा हर्मीज़ के अंदर में डिस्कस किया था। तिब्बतन वाइल्डनेस भी यहीं मिलता है, बारले फील्ड वगैरह हो गए, यहाँ पे हाईएस्ट कल्टिवेटेड लैंड बोला जाता है इसको,
ठीक है, सबसे ऊंचा जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, यहाँ पे एरिड स्टेपीज कंडीशन है, ट्रैकिंग वगैरह ट्रेडिंग हो गया, कोरजैक मोनेस्ट्री है ये तिब्बतन वाली यहाँ पे, और लोकल कम्युनिटी डेडिकेट, ये लोकल कम्युनिटी ने इसको WWF सीक्रेट गिफ्ट के लिए वो कर दिया था डेडिकेट, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अभी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाना स्टार्ट हो गए हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। हाँ, अब आ गया सांभर लेक। राजस्थान के अंदर सांभर लेक का पता ही होगा आपको, अगर आप मैप बनाएंगे ऐसे तो जयपुर है, जयपुर थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सांभर लेक आ जाती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है, कोस्टल पे तो कौन सी थी, चिल्का थी। देन वी हैव ए इनलैंड सॉल्ट लेक होगी, बाउल शेप में है ये कैसे। ठीक है, तो वेटलैंड जो है वो की विंटरिंग एरिया है, सर्दियों में कौन आते हैं यहाँ पे, फ्लेमिंगोज आते हैं माइग्रेट करके नॉर्थ से, फिर यहाँ पे एल्गियन बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग वाटर कलर देते हैं किसको, लेक की इकोलॉजी को, और उसके कारण क्या माइग्रेटिंग वाटरफॉल यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और सस्टेन हो जाते हैं ये। ठीक है, और नीलगिरी यहाँ पर नील गाय होती हैं ये, ठीक है, तो ये काफ़ी मूव करती हैं, यहाँ कुछ एनिमल लाइफ कुछ खास है नहीं, तो एल्गी बैक्टीरिया वो एक अपनी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। की विंटरिंग एरिया किसके लिए है, फ्लेमिंगोज के लिए, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। एक याद रखना, ये एंडोरिक वो है, ये एंडोरिक ओरिजिन है इस लेक का, दैट मीन्स कि इस लेक के अंदर रिवर्स आके ही गिरती हैं, इससे बाहर पानी जाता नहीं है, केवल इवेपोरेट हो सकता है सूर्य की गर्मी से, तो उसको एंडोरिक रीजन वो ओरिजिन बोलते हैं इसका। ठीक है, देन वी हैव केवलादेव नेशनल पार्क आ गया। केवलादेव के अंदर पता ही आपको 10 आर्टिफिशियल सीजन लेगून्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वेजिटेशन में मोजैक वगैरह है, कैटल वाटर, ये सब पता ही आपको, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था नेशनल पार्क के अंदर के उसको। ठीक है, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। फिर वी हैव इन्वेजिव ग्रोथ हुई थी ग्रास की, एक पेप्सुलम यहाँ पे, काफ़ी इसकी वेटलैंड की उन्होंने प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गए, साइबेरियन क्रीन पहले बहुत आती थी यहाँ पे, इसलिए याद रखना इसको। ठीक है, एंड देन लास्ट में अपना बचा है यूपी। यूपी के अंदर केवल एक है, वो है अपर गंगा रिवर का एक स्ट्रेच है, ब्रिज घाट से नरोरा के बीच में, ये शैलो वाटर रिवर स्ट्रेच है ग्रेट गंगा का। बीच बीच में क्या है, डीप वाटर पूल्स मिलेंगे आपको, रिजर्वायर्स मिलेंगे, और IUCN की जो रेड लिस्टेड गंगा रिवर, डॉल्फिन, घड़ियाल, क्रोकोडाइल वगैरह, टर्टल वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी हाई मेडिसिन वैल्यू के वो मिलते हैं, नथिंग मच इंपॉर्टेंट है गंगा का तो पता ही आपको, ये हाई रिलीज वैल्यू है। ये ऑलरेडी अपना कंप्लीट हो चुका है, नथिंग मच अगर ये देख लिया होगा, अगर आप नेशनल पार्क पूरे अच्छे से देखे होंगे, बायोस्फीयर नेक्स्ट वाला वीडियो है अगर वो आपने अच्छे से देखा होगा, तो इसके को नेशनल में कुछ बनता नहीं है, केवल इसकी मैपिंग जरूर देख लेना आप, कौन सी लेक कहाँ पे है, किसके ऊपर बेस्ड है। तो उससे क्या होगा कि कोई भी MCQ है, कोई जो जियोग्राफी मैपिंग के बेस में आएगा, वो लेक या डैम्स को इंक्लूड कर रहा होगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।